मंगलवार 25 जनवरी को टाउन हॉल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यहां चुनावों के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के साथ नव मतदाताओं को इपिक कार्ड भी बांटे गए। SDM ने बताया, मतदाताओं को और अधिक जागरूक बनाने और उन्हें मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद के साथ देश भर में मतदाता दिवस मनाया जाता है। खासकर जो मतदाता पहली बार वोटर है या जिनके नाम अब तक वोटर्स लिस्ट में नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है कि हर एक वोट देश की तरक्की के लिए जरूरी होता है। मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य मात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मत देने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य को याद दिलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है, इसलिए यह दिन देश निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। SDM ने बताया, इस बार सबसे अधिक नव मतदाताओं को जोड़ने पर खरगोन को मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मतदाता दिवस का कार्यक्रम होता है आयोग की तरफ से। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो 18 वर्ष के नए मतदाता है उनको मतदान का महत्व और लोकतंत्र का महत्व बताना, क्योंकि वो पहली बार अपना मतों का उपयोग करते हैं, उनको जागरूक करना और उन्हें समझाना, इसी उद्देश्य के कारण से ये बनाया जाता है। लोगों का से अभी ये बनाया गया। और सबसे एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खरगोन जिले में सबसे ज़्यादा मतदाता जोड़े हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी माननीय और माननीय राज्यपाल जी भी पुरस्कृत कर रहे हैं खरगोन से। एडिशनल कलेक्टर महोदय भी वहाँ भोपाल में गए। यहाँ लोगों का मान भी क्या कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, जो चुनाव में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, लगातार जो लगे रहते हैं चुनाव के कार्य में, उन लोगों को आज पुरस्कृत भी किया है, उन लोगों का सम्मान भी किया, और नए जो वोटर है उनको आज इपिक कार्ड भी दिया है और एक मार्गदर्शी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।